वेलकम इन्वेस्टर्स, अर्न विद स्टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का डेट है 14 फरवरी 2021 और आज के इस एजुकेशनल वीडियो में हम देखेंगे कि डिमांड एंड सप्लाई टेक्निक का यूज करके हम किस तरीके से हमारे जो नंबर ऑफ ट्रेड्स होते हैं, ज्यादा ट्रेड मींस ज्यादा लॉस, ज्यादा प्रॉफिट नहीं, तो डिमांड एंड सप्लाई का यूज करके हम अपने ना कि ट्रेड्स को मैनेज कर सकते हैं, डिमांड एंड सप्लाई का यूज करके हम अपने रिस्क टू रिवॉर्ड एंड प्रॉफिट को भी ग्रो कर सकते हैं। अब चलेंगे हम चार्ट की ओर। ये सेल का मंथली चार्ट है, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और यहाँ पे मैंने रेड लाइन ड्रॉ किया हुआ है। ये एक रेजिस्टेंस लाइन है 98, 105 एंड 113। उसी तरह से यहाँ पे मैंने ब्लू कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, जो कि सपोर्ट लाइन है 34 और यहाँ पर 20 रुपीज। अगर हम देखेंगे तो यहाँ अगर मैं एक डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं, तो यहाँ एक मंथली डाउन ट्रेंड था जो कि ब्रेक हो चुका है, और अभी सेल का जो रिसेंट ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, जैसे कि हम चार्ट पे देख पा रहे हैं। इसी मंथली चार्ट पे यहाँ पे मैंने एक येलो लाइन ड्रॉ किया हुआ है, जो कि 52 रुपीज के पास है। ये एक सपोर्ट की तरह लोअर टाइम फ्रेम में काम करेगा। उसी के साथ इसके ऊपर भी मैंने एक येलो कलर का हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, जो कि 60 रुपीज के पास है, और ये भी लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट की तरह काम करता हुआ नजर आएगा। अब चलते हैं हम लोअर टाइम फ्रेम पे, मींस वीकली चार्ट पे। इस वीकली चार्ट को अगर हम गौर से देखेंगे तो ये वो येलो कलर का 60 रुपीज का लाइन है हॉरिजॉन्टल, जो सपोर्ट की तरह काम करेगा। और अगर आप देखेंगे तो प्राइस लगभग इस वीकली डिमांड जोन में आया, और वीकली डिमांड जोन में आने के बाद जैसे कि हम देख पा रहे थे लोअर टाइम फ्रेम पे इसका जो ट्रेंड था वो डाउन था, और इस वीकली डिमांड जोन में आने के बाद यहां मंथ ऑफ जनवरी में एक वीकली कैंडल फॉर्मेशन हुआ, जिसे हम नया फ्रेश वीकली डिमांड जोन कहेंगे। वीकली डिमांड जोन के अंदर एक नया फ्रेश डिमांड जोन क्रिएट हुआ, और वहां से प्राइस ने एक अपसाइड मूव हमें आता हुआ दिखाई दिया। अब चलते हैं हम इससे भी लोअर टाइम फ्रेम पे, मींस डेली चार्ट पे। और डेली चार्ट पे अगर मैं इन टू हाइस को कनेक्ट कर देता हूं, तो कुछ इस तरीके का एक डाउन ट्रेंड लाइन बनता है, लेकिन फिलहाल के मैं इसे यहाँ पर डिलीट कर देता हूं। ये अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो एक अच्छी खासी रैली, हल्का सा करेक्शन और फिर एक रैली, लेकिन उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये जो रेड कलर का रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया है ऑन अ डेली चार्ट पे, जो कि 72 रुपीज से 74 रुपीज के पास का है, तो यहाँ पर आने के बाद हमें एक रिट्रेसमेंट देखकर एक फिर से अप मूव आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये गैप डाउन ओपन हुआ और हमने शार्प फॉल डाउनसाइड देखा। तो ये वही शार्प था जब प्राइस ऑन डेली चार्ट पे नीचे आया, और इस वीकली डिमांड जोन के अंदर हमने देखा कि एक फ्रेश डेली डिमांड जोन क्रिएट हो चुका है, जो अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है। ये वो प्राइस था जब ये फ्रेश डिमांड जोन बना, तब हम यहाँ पर मंथ ऑफ फरवरी में कॉल ऑप्शन ले सकते थे 71 रुपीज का, जिसमें हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होता जब प्राइस यहां पर था। अब यहां पर देखिए, जैसे कि मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि डिमांड एंड सप्लाई टेक्निकल एनालिसिस में हमें यह पता होता है कि हमें एंट्री कहां लेना है, यानी ट्रेड लेना कहां है और हमारा स्टॉप लॉस कितना होगा। हमें ट्रेड से पहले ये पता चल जाता है कि रिस्क टू रिवॉर्ड कितना होगा, अगर हम फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी ट्रेड कर रहे हैं तो। यहाँ पर ये जो वीकली डिमांड जोन है, उस वीकली डिमांड जोन के अंदर ये जो डेली डिमांड जोन है, तो ये डेली डिमांड जोन स्टार्ट होता है 57 रुपीज से 55 रुपीज तक। ये 3 रुपीज का डिमांड जोन है, और जब भी प्राइस इस डेली डिमांड जोन में आए तो हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं फॉर लॉन्ग के लिए। और अगर हम फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड की बात कर रहे हैं, तो 72 रुपीज का फर्स्ट टारगेट इसका होगा जब भी प्राइस इस डिमांड जोन में आएगा। हमें ये नहीं पता कि प्राइस आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन अगर प्राइस आता है तो करना क्या है ये हमें पता है, और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा सेल का मंथली एंड वीकली अगर ट्रेंड देखेंगे तो ये अप है, लेकिन डेली ट्रेंड यहाँ पर डाउन हो चुका है, तो इस स्टॉक को हम वीकली डिमांड जोन में ट्रेड कर सकते हैं। जहां तक वीकली डिमांड जोन की बात है, तो यहाँ पे भी जैसे मैंने बताया था आपको 62 रुपीज से लेकर तो 53 रुपीज का एक वीकली डिमांड जोन है,
और यहाँ एक जो ब्लू कलर का रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया हुआ है जो कि 64 रुपीज से लेकर 262 रुपीज के रेंज का है, ये भी एक लॉन्ग डिमांड जोन है। अब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में प्राइस अगर 62 से 60 रुपीज तक अगर हमें मिलता है तब भी हम इस डिमांड जोन को ट्रेड कर सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि ऑन आवरली चार्ट पे हमें कंफर्मेशन मिले, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक लो फिर उसके बाद लोअर हाई, और ऐसा ना हो कि आपने एंट्री लेने के बाद प्राइस फिर से एक लोअर लो बनाए, इसलिए आवरली चार्ट पे कंफर्मेशन के बाद ही यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। इमीडिएट टारगेट होगा 72 रुपीज का। तो ये था सेल का डिमांड सप्लाई बेस्ड टेक्निकल एनालिसिस। अगर इस तरीके के डिमांड सप्लाई बेस्ड टेक्निकल एनालिसिस आप भी सीखना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए या फिर कॉल कीजिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।